हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय ऑनलाइन क्लासेज एंड आई एम डॉक्टर डी एल कुमार फ्रॉम बायोलॉजी फैकल्टी। नाउ टुडे वी आर डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कस द यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कस द टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोजेनेसिस। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो एम्ब्रियोजेनेसिस या डेवलपमेंट एम्ब्रियो इन फर्स्ट वीडियो एंड नाउ टुडे एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सेकेंड वीडियो या एम्ब्रियोजेनी की सेकेंड वीडियो हम बात करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में हमने एट सेलुलर या ऑक्टेंट एम्ब्रियो स्टेज तक का डेवलपमेंट देखा था और उसके आगे एम्ब्रियो में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखो बेटा, हमने सबसे पहले बात किया था कि जो एम्ब्रियो है वो टू सेल, फोर सेल, फिर उसके बाद में एट सेल से 16 सेल युक्त एम्ब्रियो बनता है। तो देखिए, अपन ने एट सेल वाला जो एम्ब्रियो था वो इससे वहां तक का जो डेवलपमेंट था, जो ऑक्टेंट तक का जो डेवलपमेंट था वो इससे पूर्व की वीडियो में हमने कर लिया था। ये हिस्टोरियल सेल है, ये जो कि एक स्वेलप सेल के रूप में होती है जो न्यूट्रिशन लेती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 10 तक हो सकती है बेटा, सेल 6 से लेकर 10 तक होती है। ये हिस्टोरियल सेल है, हिस्टोरियल सेल, और ये सस्पेंसर कहलाता है। ये सस्पेंसर है, सस्पेंसर है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में खुश करता है जिससे कि इसको न्यूट्रिशन मिल सके। और ये हाइपोफाइसिस सेल है, ये हाइपोफाइसिस सेल के रूप में है और यहां 4 सेल होती है। ये 4 सेल हो गई, तो पहले ये 4 सेल होता है, उसके पश्चात ये 8 सेल एम्ब्रियो बन जाता है, ऑक्टेंट एम्ब्रियो बन डेवलप हो जाता है जो क्वाड्रेंट से ऑक्टेंट बन जाता है। और ये क्या हो गया बेटा, ऑक्टेंट हो गया। जो पहले क्वाड्रेंट एम्ब्रियो स्टेज थी वहां से ये ऑक्टेंट हो गया, तो 8 सेल हो गए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 या ऑक्टेंट एम्ब्रियो है। इस ऑक्टेंट एम्ब्रियो में जो 8 सेल है वो 4-4 सेल के 2 टीयर्स में प्रेजेंट होती है। तो ये जो 4 सेल का जो टीयर है ये हाइपोबेसल टीयर कहलाता है, हाइपोबेसल टीयर है। और ये एपीबेसल टीयर है, एपीबेसल टीयर के रूप में प्रेजेंट है। तो ये हाइपोबेसल है और ये एपीबेसल। इस तरीके से 4 सेल के 2 टीयर्स होते हैं। यहां तक का डेवलपमेंट अपन ने इससे पूर्व की वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। इसके आगे एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है वो हम डिस्कस इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए बेटा, अपन बात करें आगे, ऑल द सेल्स ऑफ ऑक्टेंट, जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो है इसकी सभी सेल्स जो है ऑक्टेंट सेल्स डिवाइड बाय पेरिक्लिनल डिवीजन। देखो बेटा, दो तरीके का डिवीजन है जो मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक होता है पेरिक्लिनल डिवीजन और एक होता है एंटी क्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन जब सेल के जो पेरिफेरल कंडीशन है उनके पैरल हो, जैसे मैं कहूं कि ये सेल है और इस सेल में जब डिवीजन इस तरीके से हो तो इसे पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं। इस प्रकार से डिवीजन हो, और जब सेल, मान लीजिए जैसे ये सेल है और इसमें डिवीजन जब इस तरीके से हो तो इसे एंटीक्लिनल डिवीजन कहते हैं।
तो ये तो है पेरिक्लिनल डिवीजन और ये है एंटीक्लिनल डिवीजन। तो सभी सेल जो ऑक्टेंट सेल है इसकी जो सभी सेल है उनमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है डिवीजन, सो दैट ए 16 सेल्ड ग्लोबुलर एम्ब्रियो इज फॉर्म। और जितने भी जो एम्ब्रियो की जो ऑक्टेंट सेल है उन सभी में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है जिससे एक 16 सेल युक्त क्या बनता रहता 16 सेल्ड ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए बेटा ग्लोबुलर एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है वो अपन बात करें, तो ये जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो है इससे 16 सेल जो है ग्लोबुलर जो एम्ब्रियो है इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो अपन बात करें। तो देखिए बेटा एक राउंडेड क्या बन जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाता है और वही अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए ये हो गया अपना सस्पेंसर हम बात करें तो, और इसमें भी लगभग 10 तक सेल हो जाती है और जो लास्ट सेल होती है वो थोड़ी बिग साइज की होती है जिसे हुस्टोरियल सेल अपन कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गई। ये हाइपोफाइसिस सेल है, ये सस्पेंसर हो गया बेटा क्लियर, और ये हुस्टोरियल सेल हो गई। इसके पश्चात इसमें कितनी सेल बन जाती बेटा 16 सेल बननी है। तो जैसे मैं अभी आपको क्लियर करता हूं यहां ये कितनी हो गई 2 सेल, ये कितनी हो गई 4 सेल, ये कितनी हो गई 6 सेल और ये कितनी हो गई 8 सेल। तो देखिए 8 सेल हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 हो गई। अब देखिए ये जो 16 सेल है ये भी 8-8 सेल के दो टीयर में प्रेजेंट है। तो जैसे मैं कहूं कि ये एपिबेसल टीयर के 8 सेल है, अब मैं अगर हाइपोबेसल टीयर के 8 सेल बात करूं तो उसके अपन सेल बात कर लें। तो देखिए न्यूक्लियस को अपन दोबारा बना देंगे, ये थोड़े से साइड में अपन बना देंगे। अब देखिए आप ये कितने सेल्युलर हो गया 16 सेल्युलर क्या बन गया बेटा ये एम्ब्रियो हो गया। तो 8 सेल जो एपिबेसल ये इनके न्यूक्लियस ये हो गए इनके न्यूक्लियस, ये इनके न्यूक्लियस हो गए। और देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 सेल का टीयर ये हो गया और 8 सेल का टीयर इसके बेक में हो गया। तो देखिए बेटा ये है एपिबेसल टीयर जो कि 8 सेल है और ये है हाइपोबेसल टीयर, हाइपोबेसल टीयर है जो कि 8 सेल है। तो 8 + 8 कितनी हो गई 16 सेल हो गई। तो 16 सेल और ग्लोबुलर शेप वाला क्या बन जाता है बेटा एम्ब्रियो बन जाता है। तो देखिए बेटा ये हो गया ग्लोबुलर स्टेज का जो 16 सेल ग्लोबुलर एम्ब्रियो इज फॉर्म क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें ड्यू टू फास्ट डिवीजन ऑफ एम्ब्रियोनल सेल, जो ये सेल है ये सभी एम्ब्रियोनल सेल है। तो देखिए बेटा बहुत फास्टली डिवीजन के कारण एम्ब्रियोनल सेल में बहुत फास्ट डिवीजन के कारण ग्लोबुलर एम्ब्रियो आर हार्ड सैप एम्ब्रियो इज फॉर्म। और जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है इसमें फास्ट डिवीजन के कारण जो ग्लोबुलर सेल है इसके फास्ट डिवीजन के कारण ये एक हार्ड सेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए बेटा हार्ड सेप एम्ब्रियो बन जाएगा इससे, और इसको हार्ड सेप एम्ब्रियो अपन कन्वर्ट करें तो देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा इसको सस्पेंसर को जो है ये थोड़ा सा हटा देता हूं। यहां पर अपने को पता है सस्पेंसर है तो अपने जिससे अपन एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट है उसको देख सके अपनी, इसको माने कि ये इसमें है। अब देखिए बेटा यहां पर क्या होता है इस तरीके से थोड़ी सी ग्रो क्या होती है स्पीडली होती है सेल में, जो डिवीजन है वो फास्टली होता है और इस तरीके से हार्ड सेल एम्ब्रियो बन जाता है। मैं नीचे वाला सस्पेंसर हुस्टोरियल सेल नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो अपने को पता है, तो मैं यहां तक ही इसको डेवलप कर रहा हूं। एम्ब्रियो की शेप अपने को देखनी है तो देखो ये किस तरीके की हो गया हार्ड सेल एम्ब्रियो हो गया। तो देखिए बेटा ये इस तरीके से एम्ब्रियो बन जाता है इसके, और रीजन क्या है इसका
ड्यू टू फास्ट डिवीजन। तो देखिए बेटा यहां लिखा हुआ है ड्यू टू फास्ट डिवीजन ऑफ एम्ब्रियोनल सेल ऑफ ग्लोबुलर एम्ब्रियो ए हार्ड शेप एम्ब्रियो इज फॉर्म, और ये हार्ड शेप एम्ब्रियो बन जाता है। और इसमें अपन सेल्स को अगर रिप्रेजेंट करें तो अपन इस तरीके से सेल्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। इसमें ये यहां तक हाइपोफाइसिस सेल हो गई, इसके नीचे सस्पेंसर सेल होगी और लास्ट वाली क्या रहेगी यूस्टोरियल सेल रहेगी। तो अपन इसमें इस तरीके से सेल बना सकते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अब ये सेल हो जाती है, इसलिए अपन इसको अब काउंटेबल नहीं है ये, बाकी बहुत ज्यादा रिच सेल बन जाएगी इसमें। तो देखिए बेटा इस तरीके की कंडीशन क्या हो जाती है एम्ब्रियो की हो जाती है। ये एम्ब्रियो बन गया, इनकी ये सेल है जिसमें सेल्स बहुत ज्यादा फास्टली डिवीजन हो रहा है। ये इस प्रकार से ये सेल हो गई, तो ये है एम्ब्रियो की शेप। तो देखिए बेटा जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो था वहां से वो कैसा हो गया हार्ड शेप एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपन बात सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट अपन बात करें ऑल द सेल्स ऑफ दिस एम्ब्रियो आर मेरिस्मेटिक। जो ये एम्ब्रियो है हार्ड शेप जो बना है, इस एम्ब्रियो में जितनी भी जो सेल्स है बेटा वो सारी की सारी मेरिस्मेटिक सेल है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि मेरिस्मेटिक सेल जो होती है उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है डिवीजन चलता रहता है, वो कंटिन्यू क्या होती रहती है डिवाइड होती रहती है। तो इस तरीके से इसमें भी डिवाइड डिवीजन होता रहेगा। नेक्स्ट देखिए ड्यू टू द फास्ट ग्रोथ इन टू लॉब्स ऑफ हार्ड शेप एम्ब्रियो द डेवलप इन टू टू कोटिलेडॉन्स। देखो बेटा जो हार्ड शेप एम्ब्रियो है इसकी ये वन लॉब है और ये सेकेंड लॉब है, इन लॉब में फास्ट डिवीजन होते हैं। इन सेल्स की जो सेल्स है इस लॉब की इनमें फास्ट डिवीजन होता है जिससे टू कोटिलेडॉन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। और किस तरीके से, इस तरीके से एम्ब्रियो जो है इस शेप में यहां पर जैसे टू कोटिलेडॉन्स डेवलप हो जाते हैं इस प्रकार से है, और एम्ब्रियो की स्थिति ये हो जाती है। तो ये टू लॉब से जैसे ये फर्स्ट लॉब हो गए इसमें बहुत फास्ट डिवीजन हो रहा है और यहां भी फास्ट डिवीजन हो रहा है, तो इस तरीके से यहां पर टू क्या बन जाते हैं कोटिलेडॉन्स बन जाते हैं। और इनके बीच में ये जो है यहां पर एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है जिसे क्या कहते हैं अपन प्लूम्यूल कहते हैं। तो इस तरीके से ये प्लूम्यूल डेवलप हो जाता है और ये जो रहती है ये एम्ब्रियो एक्सिस रहती है, कंप्लीटली एम्ब्रियो एक्सिस है। इस प्रकार से ये एम्ब्रियो बन जाता है बेटा, इस प्रकार ये हो गया अपना। तो ये वही यूस्टोरियल सेल रह गई और ये जो है जो है रेडिकल वाला पार्ट है, और ये हाइपोकोटाइल है और ये एपिकोटाइल है और ये प्लूम्यूल वाला पार्ट है। इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है इसमें ग्रोथ के कारण से। तो देखिए बेटा इस तरीके से ये टू क्या बन गए, ये टू क्या डेवलप हो गए हैं, ये दो ये जो है कोटिलेडॉन्स डेवलप हो गए हैं इस तरीके से। ये कोटिलेडॉन है अपन डाइकोट प्लांट में एम्ब्रियोजेनेसिस बात कर रहे हैं, तो इसमें टू कोटिलेडॉन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ड्यू टू द फास्ट ग्रोथ इन टू लॉब्स ऑफ हार्ड शेप एम्ब्रियो, जो हार्ड शेप एम्ब्रियो इसकी जो ये टू लॉब्स है इसमें इसकी सेल में क्या होता है फास्टली डिवीजन होता है जिससे टू क्या डेवलप हो जाते हैं कोटिलेडॉन्स डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट बोथ द ग्रोविंग कोटिलेडॉन्स टर्न डाउनवर्ड, और जो टू कोटिलेडॉन्स है ये ग्रोथ के कारण नीचे की तरफ डाउनवर्ड घूम जाते हैं और फोल्डेड हो जाते हैं ड्यू टू द कर्व्ड कर्व पोजिशन ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल्स ऑफ कैप्सुला। देखो बेटा जो कैप्सुला का जो ओव्यूल है वो कर्व पोजिशन में होने के कारण ये भी क्या हो जाता है कर्व्ड हो जाता है और कर्व पोजिशन में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो कर्व्ड पोजिशन ऑफ बॉडी ओव्यूल ऑफ कैप्सुला, जो कैप्सुला का
जो ओव्यूल है उसकी जो बॉडी है वो कर्व पोजीशन में होती है, इस कारण से जो कोटिलेडॉन्स है वो भी कर्व पोजीशन में हो जाते हैं, कर्व पोजीशन में हो जाते हैं। ठीक है, दिस कर्व पोजीशन ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड टॉर्पिडो, और इस कर्व पोजीशन वाले एम्ब्रियो को अपन क्या कहते हैं बेटा, टॉर्पिडो कहते हैं, या इसे कॉर्डेट स्टेज कहते हैं, इसकी कॉर्डेट पोजीशन कहते हैं। तो ये फोल्डेड हो जाता है, ये तो अभी अपन मैंने नॉर्मल आपको बताया, अभी मैं आगे जो अपना कैप्सुला का जो ओव्यूल है उसमें एम्ब्रियो की पोजीशन क्लियर करूंगा, तो वहां अपन बात करेंगे किस तरीके की वहां पर कॉर्डेट पोजीशन या टॉर्पिडो पोजीशन किस तरीके की रहती है वो अपन बात करेंगे। तो देखिए बेटा, ये जो एम्ब्रियो का किस तरीके से डेवलप हुआ, जो कि ये यहां पर 8 ऑक्टेंट एम्ब्रियो स्टेज थी, उससे फिर 16 सेल एम्ब्रियो बना, फिर हार्ट सेल एम्ब्रियो बना, फिर 2 कोटिलेडॉन्स वाला एम्ब्रियो डेवलप हो गया। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए बेटा एन एक्सिस इज प्रेजेंट बिटवीन प्लूम्यूल एंड रेडिकल इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिगिलियम। देखिए बेटा ये 2 कोटिलेडॉन्स है, मैं आपको क्लियर कर दूं इसमें कौन कौन से पार्ट है, तो ये तो है कोटिलेडॉन्स, 2 कोटिलेडॉन्स, ठीक है, ये तो हो गए कोटिलेडॉन, 2 कोटिलेडॉन, ठीक है। उसके पश्चात ये जो है ये प्लूम्यूल स्ट्रक्चर है, तो ये प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल, ठीक है। उसके पश्चात ये अगर मैं पोजीशन इसकी बात करता हूं यहां पर, तो ये एपिकोटाइल है, एपिकोटाइल है, एपिकोटाइल पोजीशन। ये मैं अगर बात करूं ये, तो ये एम्ब्रियो एक्सिस है बेटा, ये एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एक्सिस, ठीक है। एम्ब्रियो एक्सिस में जो ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है ये हाइपोकोटाइल कहलाता है बेटा, हाइपो कोटाइल, कोटाइल है, हाइपो कोटाइल है, ये एपिकोटाइल और ये हाइपोकोटाइल है। यहां मैं ये बात करूं तो ये जो है ये एम्ब्रियो एक्सिस हो गई, और ये है रेडिकल, रेडिकल, ये रेडिकल है। तो देखिए बेटा प्लूम्यूल हो गया, रेडिकल हो गया, ठीक है। और यहां मैं अगर बात करूं ये, तो ये है यहां पर होता है रूट केप है ये, तो ये एम्ब्रियो अपन बात करें तो ये हो गई रूट के, रूट के, ठीक है। अब यहां इसके बाद ये जो है सस्पेंसर ये हाइपोफाइसिस सेल से डेवलप हो गया रूट के, और उसके पश्चात ये जो है बहुत रिड्यूस रूप में हो जाता है एकदम से जो सस्पेंसर है, और ये ह्यूस्टूरियल सेल के रूप में प्रेजेंट होगी। तो ये हो गया सस्पेंसर, 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 और ये है ह्यूस्टूरियल सेल, जो कि बाद में जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है वैसे वैसे रिड्यूस होती जाती है। इस तरीके से ये है बेटा अपना पूरा एम्ब्रियो, जिसमें ये पूरे एम्ब्रियो के रूप में प्रेजेंट होती है, ये पोजीशन है इसकी एम्ब्रियो की। तो सारे पार्ट मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया है कि एम्ब्रियो में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है। तो देखिए बेटा एन एक्सिस ऑफ प्रेजेंट इन बिटवीन प्लूम्यूल, ये प्लूम्यूल है और ये रेडिकल है, ये रेडिकल है यहां पर, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, एक्सिस प्रेजेंट होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, बोथ द कोटिलेडॉन्स आर प्रेजेंट एट लेटरल पोजिशन, तो देखिए बेटा जो कोटिलेडॉन्स है ये लेटरल पोजिशन में है, लेटरल पोजिशन ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस, तो एम्ब्रियो जो एक्सिस है इसके लेटरल पोजीशन में, जैसे मेरी ये एक्सिस है तो इसके लेटरल पोजीशन मेरे हैंड प्रेजेंट है ना, ऐसे ही जो कोटिलेडॉन्स है वो एम्ब्रियो एक्सिस के लेटरल पोजीशन में होता है। एंड प्लूम्यूल इज फॉर्मड इन इन टर्मिनल पोजीशन, और जो प्लूम्यूल है वो टर्मिनल पोजिशन पे, जो एक्सिस है उसके टर्मिनल पोजिशन पर है ये, और जो डाउन पोजिशन पे होगा वो रेडिकल होगा, टर्मिनल पोजिशन। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नॉन एज क्रूसीफर या ऑनाग्रेट टाइप के एम्ब्रियो को अपन इस तरीके के जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसे अपन क्रूसीफर या क्या कहते हैं, ऑनाग्रेट टाइप का एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है।
देखिए, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन डाइकोट्स प्लांट्स। और इस तरीके का जो एम्ब्रियो है ये मोस्ट कॉमनली एम्ब्रियो है जो कि डाइकोट्स प्लांट्स में यानी जिसे फाउंड इन कैप्सुला में प्रेजेंट है। तो ये पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया अपना, जिसमें अपन ने पूर्व जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें अपन ने एट सेल एम्ब्रियो ऑक्टेंट एम्ब्रियो डिस्कस किया था, और यहां अपन ने ऑक्टेंट का भी डिस्कस किया, फिर 16 सेल ग्लोबुलर एम्ब्रियो किया, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो किया, फिर टू कोटेलिडोन्स एम्ब्रियो के भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। ये एक मैच्योर एम्ब्रियो है जो कि ओव्यूल्स में प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम द सम पार्ट्स ऑफ जाइगोट सो दैट इज कॉल्ड मियोब्लास्टिक डेवलपमेंट। देखिए बेटा, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो जाइगोट के टोटली पार्ट से डेवलप हो रहा है, उसके कुछ पार्ट से डेवलप हो रहा है, सम पार्ट ऑफ जाइगोट, और इस टाइप के डेवलपमेंट को अपन मियोब्लास्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जाइगोट के पार्ट से कुछ पार्ट से हो तो उसे मियोब्लास्टिक डेवलपमेंट अपन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड इन विच टेस्टा इज फॉर्म्ड बाय आउटर इंटेगमेंट एंड टैगमेन इज फॉर्म्ड बाय इनर इंटेगमेंट्स। देख बेटा, जो ओव्यूल होता है उस जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन टोटली जो ओव्यूल्स है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका जो आउटर इंटेगमेंट है वो टेस्टा के रूप में और जो इनर इंटेगमेंट है वो टैगमेन के रूप में सीड कॉर्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो टोटली ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें था ओनली माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल्स रिमेन्स अनचेंज्ड एंड आल्सो प्रेजेंट इन सीड। जो ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल है वो अनचेंज्ड पोजीशन में रहता है, अनचेंज रहता है, उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आता है, और वो अब जो माइक्रोपाइल है उससे सीड पोर में कन्वर्ट हो जाता है और वो सीड में भी प्रेजेंट रहता है, और उसी के कारण सीड वॉटर को एब्जॉर्ब करते हैं और जर्मिनेशन करते हैं उस माइक्रोपाइल के कारण। नेक्स्ट अपन बात करें एंटायर ओवरी मॉडिफाई इनटू फ्यूट, और जो ओवरी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है वो किसमें चेंजेबल हो जाता है, किसमें मॉडिफाई हो जाता है, फ्यूट में। दिस फ्यूट इज फॉर्म्ड फॉर्म बाय फर्टिलाइज्ड ओवरी इज टू फ्यूट। देखो बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो टोटल ओवरी है वो किसमें चेंज हो जाता है, फ्यूट में चेंज हो जाता है, और इस प्रकार के फ्यूट को अपन ट्रू फ्यूट कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूट में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी जो ऑर्गन है वो कैसे किसमें कन्वर्टिंग होते हैं वो अपन जब एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में डिस्कस करूंगा इस चीज को, तो वहां पर अपन और देख लेंगे। तो देखिए बेटा, जो ओव्यूल है वो तो सीड में, और जो ओवरी है वो फ्यूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइज्ड ओवरी से जो फ्यूट बनता है उसे अपन ट्रू फ्यूट कहते हैं। और कुछ फ्यूट इस तरीके के होते बेटा, तो देखिए इन सम ऑफ द एंजियोस्पर्म फ्यूट इज फॉर्म्ड इन द ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, और कुछ एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्यूट है वो ओवरी से तो डेवलप होता है परंतु वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं। इस तरीके के फ्यूट को अपन क्या कहते हैं, विच नॉन एज पार्थिनोकार्पिक फ्यूट कहते हैं। इस तरीके के जो फ्यूट है उसको पार्थिनोकार्पिक फ्यूट कहते हैं अपन, जिसमें फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है वो फ्यूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ पार्ट्स जो होते हैं फ्यूट के जो ओवरी है उसके
अदर पार्ट भी जो है, फ्लावर के जो अदर पार्ट है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिससे मैं यहां बात करूं एप्पल, तो एप्पल एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, जिसे अपन कह सकते हैं कि इसमें यहां पर जो फर्टिलाइजेशन के विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है और ओवरी से भी फ्रूट बनता है, और इसके अलावा जो इसका जो थैलेमस है जो फ्लावर का, उससे फ्रूट का डेवलप होता है। जो अपन एडेबल पार्ट है वो थैलेमस से जो डेवलप होता है उसको खाते हैं, और जो सेंटर में जो प्रेजेंट होता है जो कि नॉन जूसेबल होता है, और वो वास्तव में फ्रूट का रूप है परंतु उसको अपन नहीं खाते हैं। तो एप्पल एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है। इन सम फ्रूट्स पार्थेनोकार्पिक यूजलेस, जो पार्थेनोकार्पिक जो जो फ्रूट्स होता है ओवरी से जो डेवलप हो रहा है वो कैसे होते हैं, यूजलेस होते हैं, जैसे एप्पल में भी यूजलेस है वो, और पोमेग्रेनेट जो होता है उसमें भी यूजलेस है। इफ एडेबल पार्ट इज एंडोस्पर्म और सीड, उनके जो अलग अलग पार्ट्स एडेबल होते हैं वो यूजफुल है, और जो ओवरी से डेवलप हुआ वो यूजलेस होते हैं, जैसे पोमेग्रेनेट है, एप्पल है, ये सारे ऐसे ही पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है जिसके ओवरी से डेवलप फ्रूट जो है वो यूजलेस है, और जो अदर पार्ट्स है उनसे डेवलप जो फ्लावर के फ्रूट के पार्ट है वो एडेबल होते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखिए अपन ने कैप्सुला में अभी ओवरी में जो ओव्यूल है कैप्सुला का, उसमें जो ओवरी सॉरी जो एम्ब्रियो है वो किस तरीके से अरेंज रहता है वो मैंने आपको नहीं बताया, उसका मैं डायग्राम बना देता हूं। तो ये अपन ने डिफरेंट स्टेज देखी थी बेटा, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको नोट्स भी इसी से प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको डायग्राम भी दिख जाएंगे। मैं क्लीन कर रहा हूं, और इसको जो कैप्सुला के जो ओव्यूल है उसमें ओवरी किस तरीके से प्रेजेंट होता है वो उसकी मैं पोजिशन आपको बता देता हूं। देखिए बेटा जो ओव्यूल्स की, पहले तो मैं एम्ब्रियो में बता देता हूं, एम्ब्रियो इसकी जो पोजीशन होती है वो इस तरीके से ये डाउन हो जाते हैं, दोनों जो पोर्टाइल्स होते हैं वो इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्डेड हो जाते हैं। ये पोजीशन अक्सर इसके एम्ब्रियो की रहती है, इस तरीके से नीचे की तरफ डाउन हो जाते हैं ये, और यहां जो ल्यूमूल रहता है और ये एम्ब्रियो एक्सिस के रूप में रहती है, ये पोजीशन रहती है इसके एम्ब्रियो की इस तरीके की मोल्डिंग स्टेज में। ये रूट केप हो गई और ये बिल्कुल सूखकर हिस्टोरिसिस इस तरीके की कंडीशन में आ जाता है, ये है एम्ब्रियो बेटा। मैं कहूं तो ये है हिस्टोरियस है, ये सस्पेंसर है, ये रूट केप हो गई रूट केप, ये मैं कहूं तो ये रेडिकल पार्ट है रेडिकल, ये मैं अगर बात करता हूं तो ये हाइपोकोटाइल है हाइपोकोटाइल, ये पूरी एम्ब्रियो एक्सिस के रूप में है, तो ये एम्ब्रियो एक्सिस हो गई एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, ये जो पार्ट है ये है बेटा एपिकोटाइल पार्ट, एपिकोटाइल पार्ट, ये प्लूम्यूल पार्ट है प्लूम्यूल, उसके बाद ये है कोटिलीडॉन्स जो टू कोटिलीडॉन्स के रूप में, ये है एम्ब्रियो। अब ये ओव्यूल में किस तरीके से प्रेजेंट है, उसके ओव्यूल के अपन पोजीशन बात कर लें, तो देखो कैप्सुला में जो ओव्यूल है वो भी कर्व पोजीशन में रहता है, तो उसके ओव्यूल में इसकी क्या पोजीशन रहती है वो अपन बात करें, तो देखिए जो ओव्यूल है वो इस तरीके से रहेगा, ये मान लीजिए अपन बात करें कि ये एम्ब्रियो एक्सिस जो है जिसे अपन कहते हैं एम्ब्रियो सेक वो है। ठीक है, और उसके बाद ये इनर इंटेग्यूमेंट हो गया इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है, और ये आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये इस तरीके का ओव्यूल रहता है कैप्सुला में।
जो कि थर्ड पोजिशन। अब देखिए बेटा, अगर इसमें अपन बात करें फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो ये हो गए सस्पेंसर सॉरी गुस्टोरियल से, और ये हो गया रिड्यूस अवस्था में सस्पेंसर। उसके पश्चात अगर अपन इसमें बात करते हैं तो ये एम्ब्रियो है, और इस तरीके से इसकी पोजिशन ये कोटाइल हो गए, कोटाइलिडॉन्स हो गए, इस तरीके से इसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी इसकी कर पोजिशन के कारण ये भी कैसा हो गया, कर्ड हो गया। अब देखिए ये यहां पर प्लिम्यूल है, ये एम्ब्रियो एक्सिस हो गए, ठीक है, और ये रेडिकल हो गया, ये रूट के वाला पार्ट हो गया, तो इस तरीके से ये एम्ब्रियो एक्सिस हो गई, इस प्रकार से ओव्यूल में ये प्रेजेंट होता है। अब ये पूरा का पूरा ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब सीड में इसकी कन्वर्टिंग कैसे होती है बेटा, वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए ये जो है, ये पूरा का पूरा जो है जिसे अपन न्यूसिलस कहते हैं, वो तो खत्म हो ही गया, वो तो इसमें न्यूट्रिशन प्रयोग कर लिया जाता है। जो ये आउटर इनर इंटेग्रमेंट है, ये किसमें, ये टेस्टा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है साथ साथ जो अपन ने बात की थी उस समय, तो देखिए अपन ने लिखा, यहां लिखा था ये रहा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, तो सीड में कन्वर्ट हो गया, इन विच टेस्टा इज फॉर्म बाय आउटर इंटेग्रमेंट। तो जो आउटर इंटेग्रमेंट है ये टेस्टा में, और जो इनर इंटेग्रमेंट है वो टेग्मेन में। तो ये तो हो गई आउटर इंटेग्रमेंट, तो टेस्टा में बदल जाती है, टेस्टा में ये तो टेस्टा बना लेती है, जिसे अपन बाहे बीचोल कहते हैं, और जो इनर इंटेग्रमेंट है ये इनर इंटेग्रमेंट है, ये टेग्मेन बना लेती है। तो सीट के चारों का जो कवरिंग है वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो माइक्रोपाइल है ये इसी कंडीशन में सीड में प्रेजेंट रहता है। तो ये पोजिशन रहेगी बेटा ओव्यूल में या कैप्सुला के ओव्यूल में एम्ब्रियो की। ठीक है, तो ये था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट प्लांट्स, या जो हेस्टीन ने जो कैप्सुला में एम्ब्रियोजेनेसिस का जो डिस्कस किया था वो यही है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।